वर्ली आदिवासी भारत के महाराष्ट्र राज्य के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इन लोगों की अपनी भाषा भी है वर्ली। जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई वो है इनकी वर्ली पेंटिंग। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ली पेंटिंग के बारे में, जो कि है एक ट्राइबल आर्ट और स्टार्ट हुई महाराष्ट्र की ट्राइबल कम्युनिटी वर्ली ट्राइब के द्वारा। वर्ली वर्ड आया है वर्ड वर्ला से, दैट मीन्स भूमि का टुकड़ा या मैदान। काफ़ी पुरानी और दीवारों पर जो ये पेंटिंग वर्ली में शेप्स बहुत बेसिक होते हैं, जैसे सर्कल्स, ट्राइंगल्स और स्क्वायर्स। सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, जंगल, खेत खलिहान, आदमी औरत, ये सब दिखाए जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला, बेसिक शेप्स इसमें सब कुछ बनता है। तो जैसे पेंटिंग्स में आप देख रहे हैं कि सर्कल से सन एंड मून, ट्राइंगल से माउंटेन्स एंड ट्रीज, सर्कल से पवित्र वाड़ी या पीस ऑफ लैंड दिखाया जाता है। तो ये जो स्क्वायर होता है, जो कि पीस ऑफ लैंड दिखाया जाता है, को डिनोट करता है, ये बहुत ही सेक्रेट माना जाता है। इसीलिए अनुष्ठानों में और पूजा पाठ वाली वर्ली पेंटिंग में जो सर्कल्स और ये जो स्क्वायर्स होते हैं, इन्हें सेंट्रल मोटिव बनाया जाता है। दिन पेंटिंग में सेंट्रल मोटिव जो होता है वो स्क्वायर शेप से ही रिलेटेड होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये वर्ली के द्वारा दीवारों पर बनाई जाने वाली पेंटिंग है। तो ये देखिए दीवारों पर कितनी सुंदर सज रही है। तो ये है वर्ली पेंटिंग दीवारों पर। दीवारों पर की जाने वाली ये जो पेंटिंग है, कि आपको इसकी छाप आपको सह्याद्री की पहाड़ियों में भी नज़र आएगी। मतलब जो ये वर्ली आर्ट है, ये महाराष्ट्र के आदिवासी गांवों की झोपड़ियों के अंदर के अलावा आपको कुछ महाराष्ट्र के आसपास के गुफाओं और वहां के पहाड़ों पर भी आपको ये पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी। तो ये देखिए, जैसे कि स्क्वायर बनते हैं, वो सेंट्रल मोटिव होता है, इन्हें चौक बोलते हैं। तो ये जो सेंट्रल मोटिव होता है, इन्हें जिसे चौक या चौकट कहते हैं। अच्छा, इसके भी दो टाइप होते हैं, देवलोक यानी देव चौक और लग्न चौक। देव चौक के भी सेंटर में देवी माँ पालघाट मिलती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें कोई पुरुष देवता नहीं होते वर्ली आर्ट में। वर्ली पिक्चर्स में डेली लाइफ, जैसे शिकार खेलना, मछली पकड़ना, खेती करना, त्योहारों और नृत्यों, पेड़ और पशुओं के पिक्चर जैसे सीन्स होते हैं, जिससे कि आप ह्यूमन फिगर्स देख रहे हैं। तो वर्ली में दो ट्राइंगल्स को जोड़कर इनसे ह्यूमन या एनिमल बॉडी को दर्शाया जाता है। मेन मोटिफ की बात करें तो इसमें तारपा डांस दिखाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो सर्कल में ह्यूमन फिगर दिखाई जा रही है, उनके सेंटर में है एक बेल जो कि तारपा बजा रहा है। तारपा एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वर्ली मेल्स बजाते हैं बहुत खुश होने पर। इस तरह से इकट्ठे होके ये लोग हंसते गाते नाचते हैं और अपनी खुशी दिखाने के लिए इस तरह से सर्कल बना के नाचते गाते रहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है वर्ली आर्ट, जिसमें नाचते गाते हंसते खेलते
डेली लाइफ को दिखाते हुए लोग आपको नजर आ जाएंगे, नहाते धोते देखिए, पानी भरते उनके आसपास जानवर। और सबसे मेन होता है इसमें तारपा डांस। ये देखिए, ये है तारपा मेल, मतलब तारपा एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे बजाता हुआ मेल। और जो वर्ली आर्ट होती है, इससे तारपा जो ये इंस्ट्रूमेंट है उसको हाथ में पकड़े तारपा डांस करते आदमी औरत होते हैं। ये तारपा जो मेल है, तारपा जो बजाने वाले जो आदमी, उसके आसपास नाचते हुए नजर आएंगे। अच्छा, वो जहाँ जहाँ पड़ता जाएगा तारपा बजाने वाला, ये लोग उसके पीछे पीछे घूमते जाएंगे। और सबसे मेन बात होती है तारपा बजाने वाले की तरफ इन लोगों की पीठ नहीं होती, मतलब दे हैव टू फेस टूवर्ड्स द तारपा प्लेयर। इस तरह से आदमी औरत नाचते गाते हाथ पकड़ते एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो जो तारपा प्लेयर है उसके आसपास घूमते रहते हैं एक सर्कल की शेप में। और इसीलिए जो सर्कल होता है, ये सर्कल बनाते हैं जो कि रिसेम्बल करता है सर्कल ऑफ लाइफ को। ये देखिए, फिर आत्मा सर्कल बनाते हैं, ये एक सर्कल ऑफ लाइफ है। अच्छा, इसमें अगर हम टेक्निक की बात करें तो वॉली पेंटिंग झोपड़ी के अंदर की दीवारों में की जाती है। तो ये सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, 2500 से 3000 साल पहले ये सह्याद्रि के गुफाओं में और चट्टानों में पाई जाती थी। उसके बाद जो वर्ली ट्राइब है, इन्होंने अपने घर के अंदर की दीवारों पे करना शुरू किया। और इसकी टेक्निक ये है कि दीवारों पर जो कि लकड़ी, छोटे टुकड़ों लकड़ियों से, मिट्टी और गाय के गोबर से बनी होती है दीवारें, उन्हें अच्छे से पहले गाय के गोबर से, मिट्टी से लीपा जाता है, उसे स्मूदन किया जाता है। फिर उसके बाद उस पर गीरो लगाया जाता है लाल रंग का, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद इसमें जो वर्ली पेंटिंग है उसमें सिर्फ एक सिंगल कलर से पेंटिंग की जाती है जो कि होता है वाइट। और इस वाइट कलर को बनाने के लिए चावल पीसकर उसमें चावल, पानी और गोल मिलाकर उसे पीसा जाता है अच्छे से, और इस तरह से वाइट कलर बनता है। ब्रश की हम बात करें तो ब्रश के लिए बांस की छड़ी को एक साइड को दांतों से चबा चबा कर सॉफ्ट किया जाता है। इस तरह से ये ब्रश तैयार होता है। सीन्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें ट्राइंगल्स और स्क्वायर्स और सर्कल्स ज़्यादा यूज होते हैं। और इसमें जो पिक्चराइजेशन आप देख रहे हैं, ये होते हैं उनकी डेली लाइफ, वाली पीपल्स के डेली लाइफ, उनके डांसेस, उनके फेस्टिवल्स, उनकी हार्वेस्टिंग सीजन, हार्वेस्ट के ऊपर बहुत ये पिक्चर्स बनाते हैं, उनके मैरिजेस, उनके देवी देवता और इनकी डेली लाइफ। इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं, वाली आर्ट में डिफरेंट जो दिखाते हैं वो आदमी औरत में सिर्फ एक बन से दिखाते हैं, मतलब एक नॉर्मल सर्कल है ट्राइंगल्स के ऊपर तो वो मेल है, और अगर ऊपर बन है तो वो फीमेल है। आप इसमें जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हो, तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनना चालू हो गए हैं। देखिए, टी शर्ट्स हैं, ये बॉक्सेस हैं जैसे, जो वॉली आर्ट से सजाए गए। और इसके अलावा बहुत तरह के आइटम बनाए जाते हैं वॉली आर्ट, ताकि सर को ज़िंदा रखा जा सके, बड़े ही बेसिक तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से। ये देखिए किस तरह से वली पीपल्स की लाइफ को दिखाया जाता है वॉली आर्ट में। और अब ये लोगों के घरों की दीवारों को रोशन कर रहे हैं, बड़ा यूनिक एब्स्ट्रैक्ट सा पेंट लगता है, मतलब बहुत ही प्यारा लुक देता है ये दीवारों पर, कैनवास पे सजे हुए। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें छोटी छोटी वॉली फिगर्स अलग ही लुक में नज़र आते हैं। तो आशा करती हूँ आपको महाराष्ट्र की वॉली पेंटिंग पसंद आई होगी, और साथ ही ये सुंदर सुंदर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी। कल मिलेंगे एक नई पेंटिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।